जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। एक बार फिर आज इनोक नए वीडियो के साथ, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार उर्फ जेडी, आप देख रहे हैं जेडी फिजिकल एकेडमी। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ये अग्निवीर के लिए है। बहुत सारे बंदों का डाउट है, फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है पूरे भारत में, अगर कहीं से बिलोंग करते हैं, मेरा वीडियो कहीं से देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो जरूरी चीजें मैं जो बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता है, क्योंकि आप डाउट में रहते हो, आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो, शायद आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, आप भर्ती देखने से वंचित रह जाते हो, क्योंकि ये बाकी फॉर्म नहीं है, ये अग्निवीर है। अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो वही चीजें बार बार मांगेगा, आप कितनी बार भर्ती देखो, जब तक आप वो देंगे नहीं तब तक वो खुलेगा नहीं। बहुत सारे बंदे परेशान रहते हैं और बहुत सारे बंदे यहाँ पर होशियारी भी करते हैं, चलाकी भी करते हैं। एक चीज बता दें, जिस सेना में आप भर्ती होने जा रहे हो ना, वहां चलाकी नहीं चलती है, क्योंकि आप भी उसी का हिस्सा बनने जा रहे हो। 6 महीने बाद आप सिविलियन को बोलोगे कि हमसे चलाकी नहीं करना, क्योंकि फौज एक ऐसी संस्था है जहां पर आप जाके एक देशभक्त हो जाते हो, आप उसी के बारे में बात करते हो। कितना भी बंदा सोचे कि मैं यार वो फौज ऐसी है, जब फौज में जाने के बाद 6 महीने ट्रेनिंग करोगे ना तो भारतीयता आपके रग रग में चलकेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया और आप भर दिए होंगे, नहीं भरे होंगे, सोच रहे होंगे, भरने वाले होंगे। उससे पहले एक बहुत जरूरी सोचना कि अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे तो पिछली तरह जैसे बाहर हुए थे उसी तरह फिर भी आप बाहर हो जाएंगे। उसके लिए पिछली बार आपने 35 क्वेश्चन किए थे, आप भी पढ़ाई करना पड़ेगा, घर से पढ़ के पास नहीं हो सकते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोचिंग संस्थानों में, एकेडमियों में एडमिशन लेंगे और वहां पर लीजिए जहां पर अच्छे टीचर हो, जहां का सिलेक्शन हो, जहां का फिजिकल अच्छा हो, जहां पे बच्चे सिलेक्ट होते हो, ऐसी जगह एडमिशन लीजिए, कहीं पे लीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप जेडी फिजिकल एकेडमी में ही लीजिए, आपको लगता है इंक्वायरी करिए, 10 एकेडमी में इंक्वायरी करिए, जहां पे आप बेस्ट लगे, जहां पे अच्छा रिजल्ट हो, उनके सोशल मीडिया पे जाइए, वहां पर देखिए, अगर लगता है कि अच्छा है तो आप एडमिशन ले लीजिए, अपना कैरियर बनाइए। चलिए आप बात करते हैं आपके फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने की क्या क्या प्रक्रिया है और कैसे कैसे आप अपने एडमिट कार्ड को लॉस कर देते हो, आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। चलिए बात करें, सबसे पहले गर्ल्स के लिए बहुत जरूरी सूचना बता दें कि गर्ल्स के लिए भी वैकेंसी आती है, ठीक है, 100 वैकेंसी जिसमें आप सेना में भर्ती होकर आप देश सेवा कर सकते हो। जिस गर्ल्स को जुनून होता है वो भर्ती देख सकता है। 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट लगती है और पेपर पास करना होता है, आपको रनिंग करना होता है, ठीक है, लॉन्ग जंप और ऊंची कूद भी करना होता है, कई चीज़ें हैं गर्ल्स के लिए, लेकिन हाइट 162 सेंटीमीटर है। छोटे हाइट वाले मत भरें, नहीं तो फालतू में मेहनत करेंगे, बाहर हो जाएंगे। चलिए बॉयज़ के लिए बात करें, बहुत सारे बंदों के कमेंट से बहुत सारे बंदों को डाउट भी थे कि सर अगर मैं 8 पास हूं तो क्या मैं ट्रेडमैन में भर्ती देख सकता हूं? दोस्त बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन उसकी ट्रेडें होती हैं, कुछ ऐसी ट्रेडें होती हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 8 पास की अगर मार्कशीट है तो उसमें क्या क्या जरूरी चीजें चस्पा करना है, क्या क्या साइन कराने है, क्या क्या मोहर लगवानी है, उसके बारे में जरूर सोचिएगा, देखिएगा मेरा वीडियो, जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर जेडी फिजिकल एकेडमी में जाके देख सकते हैं। एक मेरा दूसरा भी चैनल है उत्तर प्रदेश फिजिकल एकेडमी के नाम से, उसमें भी सर्च करेंगे वहां पर भी मेरे वीडियो जानकारी के मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिए कि मैंने क्या क्या बताया था। अब बात करते हैं, बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि मैं 8 पास से ट्रेडमैन की भर्ती देख सकता हूं, मैंने इसमें भी फॉर्म भर दूं, हाई स्कूल से दूसरी भी मैं ट्रेडमैन की भर्ती के लिए फॉर्म भर दूं, या कुछ बंदे ऐसे सोचते हैं कि मैं जीडी की भर्ती हाई स्कूल से देख लूं, उसका भी फॉर्म अप्लाई कर दूं और 8 की मार्कशीट का फॉर्म भर दूं, उसको भी मैं भर्ती देख लूं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका नाम, आपका सीरियल नंबर, वो जब सारा का सारा भर्ती बोर्ड में यानी वहां पर चेक होगा कंप्यूटर में, अगर मैच कर गया तो आप दोनों चीजों से हाथ धो बैठोगे, तो ये गलती बिल्कुल दोस्त मत करिएगा। जितने भी ट्रेडों का ऑनलाइन अभी शुरू हुआ है, जितने भी ट्रेडों का, 4-5 ट्रेडों का शुरू हुआ है, ठीक है, जीडी का होगा, टेक्निकल का होगा, कलर का होगा, और इसके बाद क्या बोलते हैं ट्रेडमैन का होगा, इन्हीं चीजों का शुरू हुआ है, नर्सिंग असिस्टेंट का अभी शुरू नहीं हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आगे जब शुरू होगा, अगर आपने सोचा कभी कि मैंने जीडी पे भर दिया है, आगे वैकेंसी आने वाली है, भाई देखो जीडी होता है हाई स्कूल पास से और नर्सिंग असिस्टेंट होता है, एनए होता है आपका इंटर पास, उसमें से बायोलॉजी वगैरह वो सारा का सारा चीज मांगा जाता है, तो उसमें अगर होगा तो आप भर देंगे, क्योंकि जीडी में
जीडी में आपका हाई स्कूल से भर रहा है, तो मान लो अगर जीडी का वैकेंसी आ गया, वो भर दिया, इसके बाद आप उसका तैयारी कर रहे हो, इसके बाद एनए का भी आ गया, अगर आपने बायोलॉजी वगैरह से कर लिया तो उसके लिए फॉर्म भर दीजिए, आप उसमें नहीं बाहर होंगे, क्योंकि वो मैटर दूसरा हो गया, वो वैकेंसी अलग से आई है, क्योंकि सारे के सारे बायोलॉजी पास तो होते नहीं है, लेकिन हाई स्कूल पास सारे होते हैं। लेकिन इतनी जितनी वैकेंसियां अभी आई हैं, अगर आपने सोचा कि मैं इंटर पास से टेक्निकल में भर दूं, हाई स्कूल पास से जीडी में भर दूं, तो दोस्त सभी में बाहर हो जाओगे। ये गलती बहुत सारे बंदे करते हैं। दूसरी गलती बंदे क्या करते हैं कि आप अपना हाई स्कूल मार्कशीट का फोटोकॉपी लिया, या किसी कैफे वाले से जान पहचान है, तुम्हारा मित्र है, उसको फोन किया कि भाई मैं अपनी मार्कशीट भेज रहा हूं और मेरा फॉर्म भर देना। कैफे वाले को इतना लोड रहता है, इतना काम रहता है खटर खटर करके, उसको ये पता नहीं होता है कि ये सीरियल नंबर आपका है कि रोल नंबर आपका है। वो गलती से आपके फॉर्म में सीरियल नंबर की जगह रोल नंबर की जगह सीरियल नंबर डाल देता है, गलती से डाल देता है, ठीक है, उसको नहीं पता। और एक चीज बता दें, नाम में गड़बड़ी कर देगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, बाद में पता चला कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, आप परेशान है, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन ले लिया और 2-3 महीने दबा के तैयारी की, तो दोस्त ये गलती मत करिएगा, क्योंकि फिर बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, हाँ ये ट्रेडमैन का हो गया, जीडी का हो गया, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि मैं इंटर पास से आपका टेक्निकल में भी लेते हैं और क्लर्क में भी इंटर पास से लेते हैं, ठीक है, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मांगते हैं, इंग्लिश मांगते हैं, इसमें भी वही सेम इंटर पास पीसीएम होता है, तो वो सोचते हैं क्लर्क में भी फॉर्म भर दें और टेक्निकल में भर दें, तो उसका फॉर्म पेपर भैया पूरे भारत का एक साथ पेपर होता है। गलती, ये सारी गलती तो आपको करना ही नहीं है, अगर ये गलती करेंगे तो आप किसी न किसी चीज से बाहर हो ही जाएंगे, किसी न किसी का आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं है कि आपकी त्रुटि है तो आपको ले रहा है, आपको एग्जाम दिला रहा है, नहीं, ये अग्निवीर है, इंडियन आर्मी है, इसमें जरा सी गलती करोगे, क्योंकि इसमें देखो ऐसा होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्तियाँ होती हैं, ठीक, आपका निवास जिस जगह से वहीं से आपका हाई स्कूल होना चाहिए, ये सारा आपका सारा बहुत मैटर करता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट से पढ़े हुए हैं, फिर आपने कहीं से निवास बना रखा है, तो आप बाहर होंगे कि नहीं होंगे, उसके लिए पूरा वीडियो बना रखा है, बाहर होंगे कि नहीं होंगे वीडियो जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि डिटेल में बताया, इतनी मेहनत से सर्च करके देख के जान पहचान के। और एक चीज बता दें, सर्च तो करते करते हम लोग इतना एक्सपीरियंस हो गया है भर्ती देख देख के और वीडियो बना के आप लोगों को तैयारी करा के कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं। आप बहुत ज़्यादा सर्च करते हो, ज्वाइन इंडियन जाके देखते हो, नहीं मिलता है। बहुत सारे बंदों को तो हमारे अग्निवीर ऐसे दोस्त हैं जो ज्वाइन इंडियन आर्मी को खोल नहीं पाते, वहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी नहीं चेक कर पाते, क्या हाइट है क्या है, बहुत सारे वीडियो इसके बनाने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, परेशान नहीं हुई, हम आप लोगों के लिए बैठे हैं, आपकी तैयारी के लिए बैठे हैं, आप एडमिशन लीजिए, तैयारी करिए, हम सारी चीज़ें आपको मेडिकल से लेकर डाइट से लेकर रनिंग से लेकर आपके फॉर्म भरने तक की सारी वीडियो बनाते हैं, डिटेल भी देते हैं। तो दोस्त अब चलते हैं टॉपिक पे। तो ये बहुत सारी गलतियां जो मैंने बताया कि आपको नहीं करना है, तो वो मत करिएगा, ठीक है। और एक चीज, सीरियल नंबर और रोल नंबर को बहुत कायदे से भरिएगा। और एक चीज, जो भी आपका पासवर्ड होगा, ईमेल आईडी होगी, उसको बहुत संभाल के रखिएगा। जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो उसी को डाल के निकलेगा। कोई कोई बंदा क्या करता है कि यार कितने लापरवाह हो जाते हैं, पासवर्ड भी दे दिया कैफे वाले को, ईमेल आईडी भी उसकी डलवा दी, बस हमने भर दिया, हमें अग्निवीर देखना है, बस अग्निवीर में भर्ती होने बस जाना है। ये गलती मत करिएगा, खुद कलेक्ट करिए, खुद याद रखिए, उसको अपनी जगह एक जगह रख के, या तो फोन में सेव कर लीजिए या कहीं लिख के रख लीजिए, जब भी जरूरत पड़े, जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो उसको कर दीजिए। चलिए अब पेपर की तैयारी बिल्कुल प्रॉपर करिए। 2 महीने से ज्यादा का टाइम आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, इसके बाद फिजिकल होगा और बहुत जल्द फिजिकल होने वाला है, तो साथ में फिजिकल और रिटन के दोनों की प्रिपरेशन जरूर करिएगा, क्योंकि मेरिट में आने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। घर से पढ़ के आप मेरिट में नहीं आएंगे, रनिंग पास हो जाएंगे, मेडिकल पास हो जाएंगे, आपका रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा पेपर, लेकिन मेरिट में आने के लिए अच्छे क्वेश्चन करना पड़ेगा। भैया आज भी अग्निवीर जरूर है, लेकिन पहले ही जैसी भर्ती में कोई चेंजमेंट नहीं है, अब 4 साल के हो चाहे 2 साल की चाहे 17 साल की हो, लेकिन उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। जो रनिंग पहले थी 5:20, 5:25, 5:30, 5 मिनट, वही आज भी है। मेडिकल जो था वही आज भी है। पेपर जो बाद में होता था वही मेरिट आज भी बनती है। तो इस डाउट में मत रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।